नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीवी लाइव देश का 23 वर्तमान न्यूज चैनल। मैं आपके साथ उपदेश चौहान। आज हम आए हैं बुलंदशहर जिला अधिकारी कार्यालय पर। तो हम जैसे ही आए हम एक भैया मिले हैं, इन भैया की कुछ परेशानी है, हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं क्या ऐसी परेशानी है जो यहाँ पर डीएम ऑफिस पे इन्हें आना पड़ा। क्या नाम है आपका? नाम पवन कुमार कश्यप है मेरा। पवन कुमार कश्यप जी, ये बताइए ऐसी क्या समस्या रही जो आप यहाँ डीएम ऑफिस आए हैं? मैं गुलावटी के गांव भमरा का रहने वाला हूँ। जहाँ हम रहते हैं हमारे लगभग 95% मुस्लिम समाज है। उन लोगों से हम काफ़ी समय से पीड़ित कर चलते आ रहे हैं। वो लोग जहाँ भी हैं हमें रोजगार करते हैं वहाँ पीड़ित करते हैं, घर के बाहर पीड़ित करते हैं, घरों में परेशान करते हैं हम लोगों को। उसके अलावा ये लोग वहाँ पढ़ाई करने जाते हैं देवबंद में, जहाँ देवबंद मदरसा है उन लोगों से वसीकरण कराते हैं, काला जादू कराते हैं, जादू टोने का कराते हैं। उसमें जो आवाज़ आती है हमें, उसमें कहते हैं कि इस्लाम धर्म कबूल कर, तो मुल्ला है इस्लाम धर्म कबूल कर, और हमें परेशान किया जाता है उसमें भी। उसमें काफ़ी हमें इलाज कराया, काफ़ी लोगों से मिले हैं, लेकिन उसमें वो समस्या हमारी हल नहीं हो रही है। उसमें हमें काली भी है, जिन्नात भी है, और वसीकरण भी है, परेशानी हमारी बनी हुई है। ये हमारे पैरों को जानों को खींचते हैं, और जब उस टाइम जिस टाइम लोग ये अजान लगाते हैं, अजान लगते लगते हमारे कानों में आवाज़ आती है अजान की, बहुत परेशानी बनी हुई है हमारी, बहुत परेशानी। हाँ, तो अभी तक आपने कोई प्रार्थना पत्र या कोई एप्लीकेशन अभी तक किसी आला अधिकारी को दी है? हाँ, मैंने प्रार्थना पत्र आज दिया है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक है यहाँ पे, SSP के यहाँ पर। आज इससे पहले भी कभी दिया था? इससे पहले दिया था, वहाँ थाने पहुँचा था उससे पहले भी, लेकिन ठीक से सुनवाई नहीं हो पाई, कोई सुनवाई नहीं हो पाई। हाँ, क्योंकि ये तो क्योंकि इसमें गुलाबी के चेयरमैन है, काले पेन वो भी जुड़े हुए हैं, और एक लोग दो लोग हैं दबंग लोग, वो भी जुड़े हुए हैं इसमें। तो जैसा कि क्या नाम बताया आपने अपना? मेरा नाम पवन कुमार कश्यप है। जैसा कि पवन कुमार कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन्होंने बताया इनको ज़बरदस्ती जो है इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए वो कहते हैं, जब ये नहीं करते तो इनके पैर, ये बता रहे हैं जैसा भी बताया इन्होंने, इन पर वशीकरण जो भी कराया गया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा हर उस शख्स हिंदुस्तान के, जैसा जिसका धर्म है उस धर्म में वो अपना जीवन यापन कर रहा है, वो जीवन यापन कर रहा है, वो खुश है, कोई ऐसा कार्य ना करे जो किसी को धर्म परिवर्तन करना पड़े। इसी के साथ एबीटीवी लाइव में आज के लिए इतना ही। मैं उपदेश चौहान, जय हिंद जय भारत।